हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है लक्ष्मी तो लक्ष्मी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करके बताने वाला हूँ साथ ही मैं इस फिल्म के साथ से जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रिमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाएगी जहाँ पे पहला पार्ट मोनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मोनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रिमेक किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रिमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रिमेक किया गया था और फाइनली बाद में दो में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डायरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमेन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई हैं जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले शामी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया हाँ तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहां पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइड्स है सेटेलाइट राइट्स से, से, से डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइड्सार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्यारा आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजाक का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेखर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुआ है प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डिरेक्ट करने वाले एज ए डिरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुलए बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमे ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टेशन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर एज प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पर उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बूझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट सी म्यूज़िक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दे हुए, खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे पे इन गानों की तनिस सासी, डीजे खुशी, आ, दो गाने तनिष बागची ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे दो हजार उन्नीस बीस में इसको रिकॉर्ड किया गया था सत्ताईस नवंबर दो हजार बीस को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीपा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगना हो ने लिखे हुए थे म्यूजिक ससी डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर ससी और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पर दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलमाती ने लिखे हुए थे म्यूज़िक म्यूजिकाई था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही ले, उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुई थी म्यूजिक तनीस बागची का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साम जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था तनीस बागती ने और गाया हुआ था फ़रत साम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई से थी सेटेलाइट ओ टी टी दोनों रेड स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आई एम डी बी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीब हजार वोट मिले हुए थे और वहां पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे कि मैंने बताया कि राइट, प्लस होटस्ट के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार एच एचडी के पास है तो यह फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर प्री प्री होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल डिज सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहां पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरी से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पांच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई गई जहां पे पहला पार्ट मुनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था जहां पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाड़ा में कल्पना नाम से डब किया, किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहां पर माया नाम से रिमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रिमेक किया गया था और फाइनली बाद में दो में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफी सारे लैंग्वेज में रिमेक बने थे जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम आ, कंचना के राइटर डायरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को एक वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमेन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वजन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले शामी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइट सभी राइट्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्या आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल ए गिरिजाशंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी बेटी है है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन दस बारह साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुलिया बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमे ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टेशन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीब छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फ़ाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 अच्छा मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आर आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी दो में क्लाइमैक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिस बाकी ने कंपोज़ किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे 2019 20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स का गाना हूजा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उमती ने लिखे हुए थे म्यूजिक उलमनाति का ही था और गाया हुआ वा था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही लि, उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनिस बागि का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया था और गाया फर ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसके लिए चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी थी दोनों राइट स्टारनेटो के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीब साठ हज़ार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराहई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें यह फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे मैं कि मैंने बताया कि राइट प्लस होटस्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के पास है तो यह फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्सन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ

जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रिमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाएगी जहाँ पे पहला पार्ट मोनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मोनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज़ में रीमेक बने थे जहाँ पर लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डिरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमैस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डिरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वजन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले शामी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहां पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइड्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्यारा आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजाक का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ, हुआ है अश्विनी कुलशेखर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन दस बारह साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुल बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमिकी थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज साम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टेसन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो शॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहां पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दी हुए, खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे पे इन गानों की तनिस सासी, डीजे खुशी, दो गाने तनिष बागची ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे दो हजार उन्नीस बीस में इसको रिकॉर्ड किया गया था सत्ताईस नवंबर दो हजार बीस को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे इस गानों को काफी एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन हो जाने लिखे हुए थे म्यूजिक शशी डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शसी और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक म्यूज़िकुमनाति का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनीस बाकी का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था मैंने इस भाग और गाया वो द फरात ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसके लिए 14 मिनट 57 सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ दोनों रेड स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आई पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीब हजार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सराह गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले प्लेसन एडिटिंग परफॉर्मेंसिस दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे कि मैंने कि मैंने बताया राइट प्लस वो के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के पास है तो यह फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस होटस्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी में प्री में प्री में प्री में तो तो हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको uh, सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहां पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीजें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई गई जहाँ पर पहला पार्ट मुनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मोनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलप ट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रिमेक किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में दो में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डिरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमैंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले शामी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया हाँ तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फोक्स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म से एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइट्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ़ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्या राडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अध्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बात में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन दस बारह साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुल बुलबुलै बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमी ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडेप्टन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर एज प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आर आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन तनिज बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने बाकी ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स का गाना हूजा ने लिखे हुई थी म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक उलमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही लि उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनीस बागती का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था इस और गाया वो द फरात समझी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी टी दोनों राइट स्टार स्टारनेटो के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आई एम डी बी पे फिल्म को करीबन दो पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन साठ हज़ार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराहई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो

प्लस होल स्टार के ऊपर देख सकते हो विद इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल दिस सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीजें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई बनाएगी जहां टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रिमेक किया गया था जहां पर इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डायरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमैंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया हाँ तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहां पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइड्स है सेटेलाइट से राइट्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइट स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ़ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्यारा आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल ए गिरिजयशंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूबचंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी ची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की अडोप्टेड बेटी है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था मीर सार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डिरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग کا قریب 10 12 سال بعد ریټن وره تي आखिर में उन्होंने बुलबुलए बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमे की थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टेसन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पर उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो शॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी दो में क्लाइमैक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट सी म्यूज़िक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दे हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन तनिज बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिष बाकी ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे 2019 20 इस में इसको रिकॉर्ड किया गया था 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन हो जाने लिखे हुए थे म्यूज़िक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे जे खुशी निकीता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक म्यूज़िकुमनाति का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूजिक तनीस बागती का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था बाकिन और गाया गायाद साम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट के साथ उन्होंने डील साइन की हुई से थी सेटेलाइट ओ दोनों रेड स्टार नेटॉक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो को इस को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीब हजार वोट मिले हुए थे और वहां पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सराहे गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे कि मैंने बताया कि वो टी टी राइट डिजनी प्लस हॉट स्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हो नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस के ऊपर देख सकते हो प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रिमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें रो राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद दिया हुआ फोर कंचना कंचना भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रिमेक किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पर लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डिरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमैंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फोक्सटार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट है से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइड्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्यारा आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया तरुण अरोरा एम एल ए संकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान चंदानी आपको। पालक के रोल में देखने गीता का रोल प्ले किया लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सार ने गीता का रोल प्ले अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग کہ قریب 10 12 سال بعد ریٹرن ہو رہی تھی आखिर में उन्होंने बुलबुल है बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमेक की थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडेप्टन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट ही म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिस बागची सासी डीजे खुशी अल्लू मंटी ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिष बाकी ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे दो हजार उन्नीस बीस में इसको रिकॉर्ड किया गया था सत्ताईस नवंबर दो हज़ार बीस को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गुजा ने लिखी हुई थी म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उमन्नाति ने लिखे हुए थे म्यूजिक उलमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुई थी म्यूजिक तनिस बागी का था और गाया हुआ वा था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था और गाया गायादर साम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के वजह से इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी दोनों राइट स्टारनेटोक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आई पे फिल्म को करीबन दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन साठ वोट मिले हुए थे और वहाँ पर फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सराहई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें यह फिल्म कैसे कहां पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे मैं कि मैंने बताया कि राइट प्लस के के पास है, वो स्टार स्टार के पास है है सैटेलाइट राइट्स स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड और तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हो नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई गई पे पहला पार्ट था था उसके बाद बाद में में कंचना 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 बनी जिसको मोनी नाम दिया हुआ था। बाद में कंचना टू, कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रिमेक किया गया था जहां पर इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को क में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहां पे माया नाम से रिमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रिमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डायरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमैंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया हाँ तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहां पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइड्स से सेटेलाइट राइट्स से, से डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्या राडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद रोल में दिखाई देंगे? वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल ए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पर बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा अडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन दस बारह साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुल या बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था कि फिल्म के कुछ सिकवेंसे जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टेसन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फ़ाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो शॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी दो में क्लाइमैक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट सी म्यूज़िक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दे हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिष बागची ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे दो हजार उन्नीस बीस में इसको रिकॉर्ड किया गया था सत्ताईस नवंबर दो हजार बीस को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफी एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स का गाना हूजा ने लिखे हुए थे म्यूज़िक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनीस बागती का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था इस भागتين और गाया वो द फरात समझी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ तो 14 मिनट 57 सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया। बाद में ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की सेटेलाइट ओ टी टी दोनों राइट स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आई एम डी बी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीब साठ हज़ार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सराहे गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले प्लेसन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसम थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल डिज सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रिमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो दो हज़ार ग्यारह की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें रो राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई गई जहाँ पे पहला पार्ट मुनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मोनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पर लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डिरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया होता जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमेन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले सेमी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहां पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट है से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइट्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्या राडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की अडॉप्टेड बेटी है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन दस बारह साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुल बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था कि फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टेशन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो शॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और की आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी 2020 में क्लाइमैक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दी थे हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन तनिज बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने बाकी ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे दो हजार उन्नीस बीस में इसको रिकॉर्ड किया गया था सत्ताईस नवंबर दो हज़ार बीस को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स हो जाने लिखे हुए थे म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक उलमनाति का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुई थी म्यूज़िक तनिस बागती का था और गाया हुआ था राजा हसन ने, ने का माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था इस बाकिन और गाया उदा द साम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई से थी सेटेलाइट ओ टी टी दोनों रेड स्टार नेटॉक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आई एम डी बी फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीब साठ हज़ार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सराहई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले प्लेसन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे कि मैंने बताया कि राइट प्लस के पास है सैटेलाइट राइट्स स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड और के पास है तो यह फिल्म आपको फिलहाल में प्लस के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी

और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई गई जहाँ पे पहला पार्ट मोनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मोनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था जहाँ पर इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में दो में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डायरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमेन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेत्री पाल शामी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया हाँ तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट्स है सेटेलाइट से राइट्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइड्स सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्यारा आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल ए गिरिजयशंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी ची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी बेटी है वहीं बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुआ है। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुलए बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमेक ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था चला था कि फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडेप्टन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी दो में क्लाइमैक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दे हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिस बाकी ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गुजा ने लिखे थे म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलमन्नाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक उलमन्नाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही लि उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूजिक तनिस बागि का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक रियाज अतनिस बाकिन और गाया उदा फराज शाम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसके लेंथ चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी टी दोनों रेड स्टार नेटॉक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीबन साठ हज़ार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराहाई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज़ किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसम थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे मैं कि मैंने बताया कि राइट किस्ट स्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हो

जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रिमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई गई जहाँ पे पहला पार्ट मुनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पर लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डिरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमैंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया हाँ तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहां पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट है से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइट्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्यारा आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था आयशा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल ए गिरिजाशंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की अडोप्टेड बेटी है वहीं पर बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डिरेक्ट करने वाले एज ए डिरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुल या बुल बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमे की थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था कि फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडेप्टसन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नज़र आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी यहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो शॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स की म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दी हुए, खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां गानों की कंपोजिशन तनिश बाकी हुई थी वहाँ पे अलग -अलग के पास गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिष बागची ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे दो हजार में इसको रिकॉर्ड किया गया था सत्ताईस नवंबर दो को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस गानों को काफी एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स हो जाने लिखे हुए थे म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शसी और डीजे जे खुशी निकीता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक उलमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनिस बाकी का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था इस बाकी और गाया द साम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पर प्रीमेर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज किया ना जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डीजनी प्लस होट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी थी दोनों रेड स्टार नेटॉक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉस्ट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज के बाद आई पे फिल्म को करीबन दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन साठ वोट मिले हुए थे और वहां पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराहाई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सा, सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे कि मैंने बताया कि वो टी टी राइट डिजनी प्लस होटस्टार के पास है और सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट सैटेलाइट वर्जन है वो आपको चैनल स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड और मेंचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर प्री होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहां पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव हु, लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो दो की तमिल लैंग्वेज हॉर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें रो राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाएगी जहाँ पे मोनी था के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हा लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डिरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया होता जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमेंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुए जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले सेमी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फोक्स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइट सभी राइट्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ़ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्यारा आडवाणी आपको और रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल ए गिरिजाशंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी ची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी बेटी है वहीं बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था मीर सार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस में पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुलए बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमेक ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडेप्टन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आर आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी दो में क्लाइमैक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कंप्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिस बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिष बाकी ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे 2019 20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स का गाना हूजा ने लिखे थे म्यूज़िक शशी डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे जे खुशी निकीता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक म्यूज़िकुमनाति का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनीस बागती का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया था फर सामजी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी थी दोनों रेड स्टार नेटॉक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीबन साठ हज़ार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराहाई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज़ किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफी क्रेडिट थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे के मैं कि मैंने बताया कि राइट प्लस के पास है और सैटेलाइट राइट स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हो नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस होटस्ट के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पर सेटेलाइट चैनल सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पांच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई गई जहां पे पहला पार्ट मुनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रिमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रिमेक किया गया गया था जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डब किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रिमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रिमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पर लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डिरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया होता जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमैंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले सेमी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया हाँ तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहां पे डायरेक्ट ओ के राइट से सेटेलाइट राइड्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइट्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्या राडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगे? वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खुबचंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगत शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ अरुण शेखर ने पंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वजन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वजन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन दस बारह साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुल बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी रिमिकी थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था, चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टसन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीब छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहां पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और अठारह अच्छा मई दो हज़ार को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल दो हज़ार को स्टार्ट की गई थी यहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये अब हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लोरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो शॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बूझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दी हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन तनिज बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने तनिज बाकी ने कंपोज किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स हो जाने लिखे हुए थे म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलमनाती ने लिखे हुए थे म्यूजिक उलमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनिस बागती का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था बाकी और गाया फर साम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसकी लेंथ चौदह मिनट सत्तावन सेकंड थी जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाद में ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी टी दोनों रेड स्टार नेटवॉक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज के बाद आई पे फिल्म को करीबन दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीब साठ वोट मिले हुए थे और वहां पर फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सराहई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले निरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी क्रिटिसिजम थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहां पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे मैं कि मैंने बताया कि राइट प्लस के पास है, वो स्टार गोल्ड और स्टार एच डी के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो इंग्लिश सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पर सैटेलाइट चैनल सैटेलाइट चैनल स्टार स्टार गोल्ड गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम प्रोडक्शन डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे साथ ही में आर शरद कुमार कोवाई सरला लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी उस फिल्म को करीबन पाँच सात करोड़ के बजट में ही बनाया गया था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई गई जहां पे पहला पार्ट मुनी था उसके बाद में कंचना बनी जिसको मोनी टू भी नाम दिया हुआ था बाद में कंचना टू कंचना थ्री और कंचना फोर भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था जहां पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को कनाडा में कल्पना नाम से डप किया गया था सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में दो में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेज में रीमेक बने थे जहाँ पर लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर डायरेक्टर एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी वो ऑफिशियली अवेलेबल है गोलमेन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है जहाँ पे हिंदी वजन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पाले से हामी और कुश छाबरिया ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन दो घंटे और ग्यारह मिनट का आपको देखने को सॉरी इक्कीस मिनट का देखने को मिलेगा इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी फोक्स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे डायरेक्ट ओ टी टी के राइट से सेटेलाइट राइट्स से, है डिस्ट्रीब्यूशन के राइट सभी राइट्सटार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसफ़ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है क्या आडवाणी आपको रश्मि राजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है आर्यन प्रीत ने लिटल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था ऐसा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है अश्विनी कुलशेकर ने इस फिल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है तरुण अरोरा एम एल ए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे मुस्कान खूब चंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है आदविक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी बेटी है है वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ विनीता जोशी को अंजलि कोल का रोल दिया गया था मीर सारववार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने जी चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पर उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी बाद में इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी मिली थी और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जोनर में लगभग करीबन दस बारह साल बाद रिटर्न हो रहे थे आखिर में उन्होंने बुलबुल या बनाई थी 2007 में हालांकि वो भी ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फ़िल्म होने वाली थी जहाँ पे सोर्सेज से पता था चला था कि फिल्म के कुछ सिक्वन है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है फराज शाम जी ने इस फिल जिन्होंने हाउसफुल फॉर डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है जो एडप्टेसन है जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन छः महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बाद में वो सभी चीज़ें फ़ाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम जहां पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और अठारह मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए उसके बाद में उन्होंने हामी भरी फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को जहाँ पे बोझ खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और के आर आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था जनवरी दो में क्लाइमैक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था छब्बीस फरवरी दो को और पूरी फिल्म को एक मार्च दो तक कम्प्लीट करवाया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल चार गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन तनिज बागची सासी डीजे खुशी अल्लू ने की हुई थी वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को तो चार गाने थे जिसमें दो गाने बाकी ने कंपोज़ किए थे दो दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे 2019 20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था बोझ खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गुजा ने लिखे थे म्यूज़िक शी डीजे खुशी ने दिया हुआ था सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उमती ने लिखे हुए थे म्यूजिक उमनाति का ही था और गाया हुआ था वायरस ने वहीं पर तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे म्यूज़िक तनीस बागती का था और गाया हुआ था राजा हसन ने माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान साहब जी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था तनिश बाकिन और गाया उदा द शाम जी ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसके लिए 14 मिनट सत्तावन सेकंड थे जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाया बाद में ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई बाद में डायरेक्ट ओ टी टी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की जहाँ पे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी सेटेलाइट ओ टी थी दोनों राइट स्टार नेटोक के पास गए थे और इसी वजह से बाद में नौ नवंबर दो हज़ार बीस को इस फिल्म को ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था फिल्म रिलीज़ के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीबन साठ हज़ार वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार शरद केलकर की के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराहई गई थी लेकिन जो डायलॉग स्क्रीन प्ले नरेशन एडिटिंग परफॉर्मेंसेज दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी जो कहानी थी उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो फिल्म के जैसे के मैं कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है ओ सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर प्री प्री होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पर इस फिल्म को सेटेलाइट चैनल uh, सेटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड एच के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है फिल्म के रिव्यू के ऊपर डीप कहानी के ऊपर प्रॉपर बातचीत हो चुकी है फिल्म से जुड़े सभी तथ्य बता दिए हैं तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू